बात गैरसैंण की कर लेते हैं, क्योंकि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठ रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह सिंजीवाल ने आरोप लगाया है कि गैरसैंण को लेकर भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं। सरकारों ने जो निर्णय किया है, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय किया हो, चाहे वहाँ विधान भवन बनाने का निर्णय किया हो, और चीज़ों को बनाने का निर्णय किया हो जो बन चुका है, उसकी इस वर्तमान सरकार को कोई चिंता नहीं है। और उसको इग्नोर करके ऊपर पैसा बर्बाद हो, ये सरकार चाह रही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे विशेष रूप से जो राज्य बनाने की भावना थी उसके ठीक विपरीत भी है। उससे बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य को होने जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी ये मांग है कि सरकार स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करे। आगे बढ़ेंगे। दुग्ध विकास मंत्री ने सौरभ बहुगुणा ने करीब एक महीने पहले सभी जिला अधिकारियों को आंचल कैफे खोलने के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए थे, मगर अभी तक कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि 20 दिन के भीतर जगह का चयन कर लिया जाए और इसकी सूचना विभाग को दी जाए। एक महीने पहले हमने सारे जिलों के 13 के 13 जिलों के डीएम को एक लेटर लिखा था यहाँ पे सचिव महोदय के द्वारा कि आप हमको अपने जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, बस स्टेशन हैं, हमारे डीएम ऑफिस है, विकास भवन हैं, हमारे तहसील भवन हैं, उन सब जगहों पर हमको 8x8 का एक जगह उपलब्ध कराइए ताकि हम वहाँ पे आंचल के छोटे छोटे कैफ़े खोल सकें। और आंचल के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, आइसक्रीम हो, कुल्फ़ी हो, उनको हम लोगों तक पहुँचा सकें। और वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने वन कर्मी की मौत मामले पर वन मंत्री को पत्र लिखा। दिनेश धने ने मांग की है कि वन कर्मी के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। धने का कहना है कि फायर सीजन के दौरान वन कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल करके जंगलों की हिफाजत करते हैं, इसीलिए उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। बगैर किसी तैयारी के इन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा विभाग। ये बगैर उनका बीमा किए हुए, बगैर सुरक्षा कवच के उनको जंगल की आग में इनको धकेलते हैं, जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, और जब ये इनकी जान चली जाती फिर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। आज इस सीजन में मेरे जो अभी सामने इसी नई टी मुख्यालय के नज़दीक जो घटना घटी थी पिछले 24 जून को, उसमें सतेंद्र एक लड़का शहीद हो गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।